हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9 का, ठीक है, किसका दिया हुआ है, क्लास 9 का दिया हुआ है। और इससे पहले हमने क्या किया था, एक्सरसाइज मतलब चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 पूरा अच्छे से कम्प्लीट किया। और इससे जस्ट पहले वाली वीडियो किया था हमने, स्क्वायर रूट का स्पायरल मतलब स्क्वायर रूट का स्पायरल कैसे बनाते हैं उसको हमने सीखा था, ठीक है। जस्ट इसके पहले वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो चाहिए, पूरा प्लेलिस्ट चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1.3 का पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, राइट द फॉलोइंग, जितने भी डेसिमल फॉर्म लिखना है, एंड द से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, और बताना है कि किस टाइप का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते, देखिए 36/100, अगर 100 है तो 2 पॉइंट के मतलब 2 नंबर के बाद क्या लगाते हैं, जीरो लगा देते हैं। अगर 10 है तो 1 पॉइंट के बाद जीरो डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, समझिएगा इस बात को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 36 और नीचे के 100 है, तो 1, 2 के बाद हम क्या लगाएंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग, किस टाइप का डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। बात समझ में आ, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त हो जाना, ठीक है। अगला देखिए 1.2 सेकंड क्वेश्चन है, 1.3 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/11 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.09 09 09 09 और ये डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन, ना ये टर्मिनेट हो रहा है मतलब ये समाप्त नहीं हो रहा है, इसका डिवाइड हमेशा चलता चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही साथ क्या इसको बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रिपीटिंग बोलेंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 0909 बार बार रिपीट कर रहे थे, इसको हम एक वैल्यू और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0.09 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार लिख सकते हैं, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या दिया हुआ, 4.41/8, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 32 + 1 कितना हो जाएगा, 33/8 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, 8 4 32 4.125, तो आप देख सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन 125 के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन से टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं 3/18 दिया हो, तो 3/18 को भी देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, सॉरी ये 3/18 नहीं, कितना है, 3/13 है, ध्यान से समझिएगा, कितना है ये, 3/13 है, ठीक है। 3/13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं 0.0, इसको आप पूरा डिवाइड करके देखेंगे तो 0.230769, उसके बाद फिर क्या है, 769, फिर 230769 डॉट 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 ये चला जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया, देखिए 230769 छः नंबर के बाद फिर रिपीट किया, देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 0.230769 के ऊपर क्या लग जाएगा, के ऊपर उसका हम लोग लगा देंगे बार, क्या लगा देंगे, बार, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ ही साथ ये है क्या, ये रिपीटिंग भी है, क्यों, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा ये, ठीक है। उम्मीद करते बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 2/11 दिया हो, क्या दिया हुआ है, 2/11, तो 2/11 का जब जैसे 1/11 का क्या था, 0.009 था, 0.09 09 09 09 ऐसे करके रिपीट हो रहा था। अगर आप देखेंगे 2/11 का क्या हो जाएगा, 0.18 18 18 ये रिपीट करते चला जाएगा, मतलब ये ना रिपीट करता हुआ चला जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल ये भी हो जाएगा। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका भी देख लीजिए, 0.18 के ऊपर बार, ठीक है, जितना रिपीट करता है उतने ऊपर बार लगाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इसको कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, 329 ऊपर में क्या दिया हुआ, 400 दिया हुआ, ठीक है, 400 दिया, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान समझिएगा, 400 लिख करके अंदर क्या लिखेंगे, 329 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे, तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका 0.825, कितना आ जाएगा, 0.825, अभी क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन, किस टाइप का ये है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल
हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये हमने क्या किया, 1.3 का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। इसी तरीके से मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिएगा। इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माई डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। Thank you.